बहुत लोग सोचते हैं कि सुसाइड करना हो तो उधार या परेशानियां ही काफी है। ऐसा जरूरी नहीं, एक शैम्पू की बोतल जो ऊंचाई पर हो या फिर मेरी माँ ही काफी है। ये शैम्पू इतनी ऊंचाई पर क्यों है? ये शैम्पू तो मेरी माँ ने इतनी ऊपर रखा है, मैं लंबी हो जाऊँ इसलिए। अब शैम्पू उठाने से तो कोई लंबा होता नहीं। अगर शैम्पू की बोतल हाथ आई तो ही बाल धो सकती हो, वरना सर पर तेल लगाकर घर पर बैठो। अनु, सब ठीक तो है ना? शावर होता तो वर्ल्ड में इससे अच्छा बाथरूम कहीं नहीं होता। अब क्या है जी, जाते वक्त जो बारिश आनी चाहिए थी वो लौटते वक्त आ गई। भानु जी, कौन है ये? ये अनु है, हैदराबाद से आई है। अच्छी है ना? हाँ अच्छी तो है, लेकिन कपड़े पहने होते तो और भी अच्छी लगती। उल्लू कहीं का आ? उसके लिए आम बात है। आम बात है, कान के सारे सितार बज उठे हैं। सुनिए जी। हाँ जी बोलिए। ऊपर चलोगे क्या? चलना तो जरूर चाहूंगा जी, लेकिन जाऊँ कैसे? मैं उठा के ले चलूँ तुम्हें। माँ, हैदराबाद के पड़ोसी की बेटी है ना? तो क्या किया उसने? कुछ नहीं, बहुत अच्छी है। हाँ? बहुत ही सीधी सादी सी लगती है। अच्छा ये है कि आंटी की कोई आदत इसमें नहीं दिखती, वरना अनुसुईया नहीं असुईया बुलाना पड़ता। क्या हुआ, गालों पर हाथ फेरता हुआ क्यों आ रहा है? वो माया है ना, वो चुड़ैल है भाई। आखिर हुआ क्या है? थप्पड़ मारा मुझे। लेकिन मारा क्यों? दरवाजा अटक गया, खुल नहीं रहा। खोल देता हूँ। इस पर तो मारेगी नहीं। मुझे कपड़े बदलने हैं। कोई बात नहीं, आप अपने कपड़े बदलो, उसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है। बदलो बदलो। इस पर भी नहीं मारेगी वो। आप जाओगे तो दरवाजा दोबारा अटक गया तो निकलना मुश्किल है। खुला रखकर ही बदल लीजिए ना, अच्छा रहेगा। उल्लू कहीं का ऐसे ही मारा था ना, थोड़ा हल्का मारा जी। भैया, हैदराबाद वाली बुला रही है। आई एम जस्ट कमिंग। हाँ सब ठीक है या कुछ चाहिए? मूंगफली या भुट्टे या छुअरे या सोन पापड़ी? गन्ना तोड़कर खा रहा है या मोतीचूर के लड्डू या देसी घी का हलवा चाहिए? थोड़ा खर्चे पर भी ध्यान दो मालिक, पहली बार हमारे घर आई हैं, अब खर्चा थोड़ी देखते रहेंगे। बस एक टीवी चाहिए। नीचे टीवी है। मुझे लेट नाइट तक देखने की आदत है। तो वही यहाँ रख देता हूँ। तो बाकी लोग? वो भी यहीं आ जाएंगे। मैं हिंदी नहीं देखती। यहाँ के लोग भी हिंदी नहीं देखेंगे। कोई बात नहीं, उस टीवी को वही रहने दो, तुम एक नया टीवी खरीद लो। वो बात भी बोल दो ना। हाँ, और साथ में यहाँ एसी लग जाता तो अच्छा होता। इस तरह के भयानक शब्द सुनने के बाद हमें थोड़ा एकांत चाहिए होता है, वरना दिल का खून खौल उठता है। क्या हुआ था? ऐसा लगा किसी ने पुकारा मुझे। कुछ कहा था आपने? एसी। एसी। ठंडा लग रहा है ना? थोड़ा गर्म चाहिए होता। रात भर खोलना बंद करना करते रहेंगे तो सोएंगे कब? मुझे माफ कर दो। एसी के बिना भी इतने लोग नहीं रह रहे हैं क्या? एक लोहे की कील, लंबी सी रस्सी और लकड़ी का डंडा लेके आ जा। एसी क्या होता है दिखाई देते हैं। इसे पकड़। सुनिए, इसे पकड़िए, 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 बैठिए, पकड़िए, खींचिए, ये हो गई एयर। पकड़िए, पकड़िए, पकड़िए ना, हाँ, पकड़िए। ये कंडीशन है। हमारे जाने के बाद दोनों बारी बारी चलाना। बस हो गया, चलो।
25,000 तक का अच्छा टीवी चाहिए सर। 25,000 का चाहिए या अच्छा चाहिए? दोनों जिसमें हो वैसा कॉम्बिनेशन का चाहिए। नहीं मिलेगा। ऐसे कहोगे तो कैसे होगा, कुछ तो करना होगा ना। हाँ हाँ हाँ, वो 50 का ये 90 का। कान बंद करके देखो, कलर सीखेंगे। आंखें बंद करके देखोगे तो साउंड पता चलेगा। मुंह बंद करके वो ही खरीदने को कह रही है। सब बंद करके तू पर्स लेके आ जा। लेकर आया साहब। अरे मिनरल वाटर से कुल्ला करूंगा तो लोग कुछ गलत ना समझ लें। लेबल उतार दे। आनंद बिहारी, इसके घर में ना तो आनंद है और ना बाहर विहार है, बस शरीर में चर्बी भरी पड़ी है। एक और नया टीवी उधार मैं देता हूँ। मेरे घर में एक टीवी है, तेरे घर में दो किस लिए है? तुमसे उधार लिए नारायण जी की दुकान पर भी 200 टीवी हैं। हाँ। बातें बड़ी करता है। ये लड़की कौन है? अंकल जी की बेटी है। ये कौन है? दूध बेचने वाला लगता है। साहब कार में बैठ जाइए। गेट से घर के चौखट तक के लिए बैठूंगा तो लोग घमंडी समझेंगे, पैदल ही चल। लगता है कोई तबेले वाला है। वैसे लड़की है बड़ी खूबसूरत, जैसे इसे फुर्सत में बनाया गया हो। मन खुश हो गया देखकर इसे। ये मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। तारीफ वाली कोई बात नहीं है, कल मेरे बेटे ने कुछ कहा तो उसे मारा, अब मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या कर लेगा। वो घमंडी है। मतलब यही है बैजनाथ, इसी के बेटे ने कल आपको देखकर कमेंट किया था। दूध वाला बोली थी। इसे देखकर मुझे अभी भी दूध वाला ही लगता है। नमस्कार चौधरी जी। अरे ये सब मुझे पसंद नहीं है। क्यों बेटा, दर्द कम हुआ? अरे छू रहा था तो छू लेना। अरे एक बार इसे सॉरी बोल दे, नीचे गिरा तो इसे बहुत चोट लग गई थी, दिखा रहे? और इस बेचारे का तो कान ही चला गया, मैं जो बोलता हूँ उसे बार बार दोहराता है ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह। दिखा दे। आपने कुछ कहा क्या? देखा ना, उसकी जुबान बहुत चलती है जो फिसलती है, मेरे हाथ बहुत चलते हैं इसलिए वो फिसल गए। तो अब क्या करोगे? बच्चे जब पैदा हो ना तब उनका नाम नहीं रखना चाहिए, जब वो बड़े हो जाए उनका चाल चलन देख लो वो क्या करते हैं तब रखना चाहिए। तब तक वो फलाने का लड़का है, ढिकाने की लड़की है, इस तरह बुलाना वो चाहिए। तो हम देख ही रहे ना, इसे वेंकन्ना का बेटा पुकारा जाता है। अब तक बहुत देर हो चुकी है, अब उसे सिखाओ तो और तरीका। बैजनाथ को वेंकन्ना बोल रहा है, चलो अंदर चलते हैं। चलो क्या हुआ बेटा, उदास लग रहे हो? एक ही दिन में 90,000 की शॉपिंग करवा दी। तो क्या गलत किया? नहीं, उसे लाकर गलती कर दी। उस लड़की के बारे में जो भी लिखा था सब मिटा दो, नए सिरे से लिखो। उसे देखने के लिए एक टीवी और उसे रखने के लिए एक टेबल, उन पर चैनल्स के लिए केबल। वो तो एसी मांग रही थी लेकिन मैंने रस्सी और लाठी से काम चला दिया। अरे बाप रे बाप रे बाप। रुको ना माँ। बेटा, अपनी बेटी को इतने सालों तक मेंटेन किया है, मतलब अंकल को नोबेल प्राइज दे सकते हैं। घर बहुत अच्छा है ना? लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ो और उतरो तो पता चलेगा। आपको तो उठाकर ले जाने वाले लोग हैं इसलिए पता नहीं चलता। क्या इतनी ढील देनी भी ठीक नहीं है जी। ज्यादा दिया है क्या? बहुत। मम्मी जी की तरह कठोर बनना होगा। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। महालक्ष्मी की बेटी कौन है ये उसे कल दिखाऊंगी। मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो, उसे ज्यादा आगे मत बढ़ने दो। हाँ। नितिन, सांप को बुलाया तो बिच्छू आ गया। सांप सो गया है इसलिए बिच्छू आया है। नितिन, क्या हुआ अनु, टीवी नहीं चल रहा है? चूहा आया था। चूहा? हाँ चूहा। नहीं, एक चूहा था। सो व्हाट, बेड पर आकर मुझे काट लिया तो सुबह तक बना मिलेगा। जोक था। उसके वापस आने तक यहीं रहो, उसे पकड़कर साथ ले जाना।
हुआ है, अंदर घुस सकता हूँ। कौन है बे तू? आई एम प्रताप राव, अंतरराष्ट्रीय चोर। तुझे इस गांव में पहले तो नहीं देखा? घूम घूम कर अपनी शक्ल दिखाऊं फिल्म का हीरो हूं क्या? चोर हूं, इधर सूरज निकलता है इधर मैं गायब हो जाता हूं। वो मेरा स्ट्रेस बॉल है। बहुत मुलायम है। रात में चोरी करते हैं वो तो ठीक है, दिन में क्या करते हैं सर? फिजिकल फिटनेस, मेडिटेशन, योगा। चोर के लिए ये सब किस लिए? चोर लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? ये सब नहीं खाऊंगा तो भागूंगा कैसे? मुझे ये कोई समझदार चोर नजर आता है। ये आपकी फैमिली फोटो है क्या? तो फिर ये लड़की क्यों नहीं है उसमें? मैं यहाँ नहीं रहती, आई हूँ, चले जाऊंगी। मैं तो हैदराबाद से हूँ। एरिया? जुबली हिल्स। जुबली हिल्स? अरे वो तो अपने बड़े भाई का एरिया है। उसका एरिया मतलब? उसके अलावा और कोई चोरी नहीं कर सकता वहाँ। 10 करोड़ में खरीदा है उसने वो एरिया। 10 करोड़ में? 10 करोड़ क्या बोलता है बे? आंध्रा के कैपिटलाइजेशन के बाद अब कर्नाटका में करोड़ों का बंटवारा होता है, उसके सामने ये तो दाल में नमक जैसा है बे। बड़े लोगों को मुंह लगता है, बड़ा आया पूछने वाला। ए, रुक बे। ओए सर, बात तो पते की बताइए, लेकिन जो लिया है वो सब दे दे। बड़ी मेहनत से ऊपर आया था सर। ऐसे कह रहा जैसे बहुत मेहनत करके आया हो, दीवार चढ़ के तो आया है। तू अपना मुंह बंद कर। सर कम से कम एनकरेजमेंट के लिए 100 रुपए। चिल्लर है क्या? 2 मिनट रुकिए, बाजू के घर से चुरा कर अभी लाता हूँ। नहीं चाहिए, जा। इतने लोग बात कर रही है, आराम से सो रही है, मतलब जरूर कोई भाग्यशाली ही होगी या फिर मर चुकी होगी। चेक कर लीजिए। एसी। देखने वाले आ रहे हैं, बताया भी नहीं। मैं क्या कोई स्टील फोटोग्राफर हूँ जो मुझे देखकर हंसती रहती हो? मधु। हाँ। इस बर्तन को रसोई में ले जा बेटा। हाँ। कैसी हो? ठीक हूँ। आज इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना? हाँ बस आते ही होंगे, अब बैठिए ना। ये लड़की कौन है? मैंने आपको बताया था ना, हैदराबाद से आई है। महालक्ष्मी की बेटी है। बेटा जरा चाय ले, गला सूख। हाँ जी, अब बैठिए ना। तुम्हें साड़ी पहननी नहीं आती? तुम्हारा नाम क्या है? अनसुया राम सिंह। बाप की लाडली हो, दिख रहा है, दिख रहा है। और आप? फूलवती अम्मा। बुआ जी। फूलवती अम्मा। बुआ जी आप आशीर्वाद दीजिए। अरे ये रहने दे। अरे अरे आपको ही देना होगा, लीजिए। ऐसा शुभ काम तुम मेरे हाथों से क्यों करवा रही है? बुआ जी आपका दिल अच्छा है, आपको ही आशीर्वाद देना होगा, दीजिए। आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी, हाथों में दर्द है क्या? नहीं बेटा, मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 14 साल में पति मर गया। फिर से शादी क्यों नहीं की आपने? इतनी अकल नहीं थी ना मुझे। कब क्या बात करनी होती है आपको नहीं पता। तुम आ गए, देखो तो बहुत सुंदर है, मेकअप किया है। ये कैसा मेकअप है? इन बालों का क्या किया? फिल्मों में एक्टिंग करने जा रही हो? ठीक करो, देख क्या रही हो, जाओ। ये ले। बानू जी एकदम मस्त। ये साड़ी और ये मेकअप सब वो अपने साथ ही लेकर चली जाएगी। लेकिन तुम लाइफ लॉन्ग खुद के साथ ही रहोगी। भानु ट्रेलर में कभी फिल्म दिखती है क्या? देखने आ रहे हैं उनमें तुम अपना बेस्ट तो नहीं दिखा सकती ना? आगे चलकर 10-12 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाएंगे
किसी दिन एक शाम को तुम्हारी दी हुई चाय पीकर उसे एहसास होना चाहिए कि इतनी सही लड़की इतनी आसानी से कैसे मिल गई मुझे। ठीक है ना, तो हो जाए शुरू। चलो बैठो। लड़की को गाना वाना आता है क्या? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, कथकली, ये सब नृत्य आते हैं। वो सब शादी के बाद आप लोगों से सीख लेगी ना। फाइन आर्ट्स पर बहुत रुचि है इसकी। आपके बेटे को कुछ आता है क्या? इसी सवाल की मुझे अपेक्षा थी। मैं 10 साल से बजा रहा हूँ। कैसे बजा रहे हो? वीणा। ओह, वीणा से मैं विचलित कर सकता हूँ। जरा देखो तो उसे, लंगूर जैसा लग रहा है। और इसे भानु से शादी करनी है। मेरे रहते ये नहीं हो सकता। 2 दिन रह के हम चले जाएंगे, हमें क्या करना है इन सबसे। मैं ना वर्षा ऋतु की तरह हूँ, भले 2 महीने बरसो लेकिन फसल साल भर होती है। लेकिन सूखा भी पड़ता है। सॉरी, साड़ी। सुनिए जी, जरा यहाँ आएंगे। क्या है? सूटकेस ओपन नहीं हो रहा है। सूटकेस यहाँ नहीं, वहाँ है। चैन थी इसमें। चैन अटक गई थी। मैं तो लॉक समझ रही थी। मैंने भी ऐसा ही समझा था। लेकिन ये गलत बात है, मैं बता रहा हूँ। लड़की वहां पर है। लेकिन रिश्तेदार तो इस तरफ है ना? सुनिए जी, जरा यहाँ आइए ना। फिर से बुला रही है। हाँ, मैंने सुन लिया। अब क्या हुआ? सूटकेस चुभ रहा है क्या? बंद नहीं हो रहा। एक बार दिखाई दे जाए। लड़की उस तरफ है, लेकिन सिग्नल इधर से आ रहा है। नितिन, नितिन कहा था ना? आ जाओ, मुझे लगा कह रही है। एक बार आओ ना। अब क्या हुआ? नितिन, वो ना थैंक्स कहना भूल गई थी। थैंक यू। लड़की उस तरफ है, मुझे पता है, लेकिन आकर्षण सामने दिखाई दे रहा है। हाय, हाय, व्हाट अ शॉट। बस करो अब। आपका नाम क्या है जी? सुनिए, हाँ, बस एक बात। मैक्सिमम 5 मिनट्स का टाइम दूंगा भागने के लिए। 2 मिनट काफी है पिताजी।
भाग लो यहाँ से।